मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉज पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं नरेश कुमार सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और पेज के वीडियो को लाइक कर रहे हैं यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए आज बात करेंगे शनिदेव की शनिदेव ने सत्रह जनवरी को गोचर किया था कुंभ राशि में और उसके बाद कुछ राशियों के ऊपर शनि की साढ़े शुरू हुई है कुछ राशियों के ऊपर से शनि का प्रभाव कम हुआ है कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया खत्म हुई है और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है लेकिन शनि देव 17 जनवरी को जैसे ही गोचर हुए उसके कुछ दिन बाद ही 30 जनवरी के आसपास शनि अस्त हो गए और अब 5 मार्च को शनि दोबारा उदय होंगे यानी कि शनि अब फुल प्रभाव में आ जाएंगे उसका कारण यह है कि शनिदेव का गोचर तीस साल बाद हो रहा है कुंभ राशि में शनिदेव की दो राशियाँ हैं एक है मकर राशि और दूसरी है कुंभ राशि कुंभ राशि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं जैसे एक आपका अपना घर है जिसके अंदर आप रहते हैं लगातार रहते हैं एक आपने एक अल्टरनेटिव जो है वो घर रखा हुआ है यानी कि एक वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है जहाँ पर आप कभी कभी चले जाते हैं लेकिन आपको अपने वाला जो पुराना घर है जिसमें आप लगातार रहते हैं वही प्रिय है और ये वो प्रिय घर शनिदेव के लिए कुंभ राशि है ये जो शनि का उदय होना इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि शनि इस गोचर के दौरान कुंभ राशि में गोचर के दौरान 31 साल बाद सतविशा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनि ने पिछले साल 24 फरवरी को नक्षत्र बदला था और धनिष्ठा नक्षत्र में गए थे मंगल के नक्षत्र में सॉरी 18 फरवरी को जो है वो शनिदेव ने गोचर किया था धनिष्ठा नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और दोनों जो ग्रह हैं वो आपस में मित्रभाव नहीं रखते शनि और मंगल इसका असर हमने ये देखने को मिला कि 24 फरवरी को यूक्रेन और रशिया के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और जो आज तक जारी है अब जैसे ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे ये 15 मार्च को होगा उसके बाद ये कन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा ईज आउट हो जाए वहाँ पर चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो सकती हैं क्योंकि जो ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु यानी कि जो मंगल हैं वो केतु के असर केतु जो है वो मंगल का प्रभाव करते हैं जो राहु हैं वो शनि की तरह असर करते हैं और दोनों प्लैनेट्स की दशा भी लगभग एक जैसी होती है महादशा की यदि हम बात करते हैं तो ये असर रहेगा कि शनि देव जब राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो पूरे प्रभावी हो जाएंगे पूरे पूरे प्रभावी किस रूप में होंगे ये कर्म फल देने वाला नक्षत्र है जो सतभिषा नक्षत्र है यदि और यदि आपका कर्म अच्छा रहा है तो आपको इसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे शनि जब फुल प्रभावी हैं कुंभ राशि में और ऐसे नक्षत्र में हैं जो कर्म फल का नक्षत्र है तो निश्चित तौर पर आपको इसका फल देखने को मिलेगा यदि आपका कर्म अच्छा रहा है इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ मान लीजिए आप किसी ऐसी आदत के शिकार हैं जो आपको फिजिकली हार्म कर सकती है लाइक स्मोकिंग कर रहे हैं आप या आप ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको फिजिकली हार्म हो सकता है लेकिन आप बहुत लंबे साल सालों से समय से कर रहे थे उसका कोई पता नहीं लगा ये समय आ गया है अब पंद्रह मार्च के बाद जब इसका रिजल्ट आपके सामने आना शुरू होगा क्योंकि शनिदेव जो है वो उस उस चीज़ को सामने ले आएंगे जो आपने की हुई है ये तो मैंने बुरी आदत की बात की यदि आप अच्छा काम भी कर रहे थे उसका रिवॉर्ड नहीं आपके सामने आ रहा था तो वो समय आ गया है अब कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा ये इसका प्रभाव जो है वो ओवरऑल रहेगा कुंभ राशि में गोचर के दौरान 15 अक्टूबर तक शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे इसके बाद रेट्रोगेशन में जाकर फिर धनिष्ठा में जाएंगे फिर 24 नवंबर को जाकर दोबारा सतभिशा में आएंगे और करीब आगे इसी नक्षत्र में चलेंगे इस नक्षत्र में रहने के दौरान देव कर्म फल का फल करें कर्म का फल करेंगे इसका आपके ऊपर क्या असर होगा इसको हम राशि वाइज बताने बताएंगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का उदय होना क्या परिणाम लेकर आएगा अब शनि देव का गोचर आपकी कुंडली में जो हो रहा है वो सप्तम भाव से हो रहा है आपकी राशि में आपकी राशि में आपकी कुंडली में शनि देव जो बनते हैं छठे भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम के स्वामी बनते हैं और ये कॉइंसिडेंसली दोनों ही ऐसे भाव हैं जो अच्छे नहीं हैं छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और सप्तम भाव जो होता है वो मार्क स्थान होता है शनि प्रबल मार्केश होते हैं यदि आपकी दशा महादशा या अंतरदशा शनिदेव की चल रही है तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी के मामले में भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपकी पत्नी की हेल्थ के ऊपर इसका असर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है क्योंकि दशा या अंतरदशा शनिदेव की चल रही है यदि नहीं भी चल रही तो भी शनिदेव जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर आकर उस चीज़ को प्रभावित करेंगे अब शनिदेव जब सप्तम में बैठते हैं तो वो क्या करते हैं सबसे पहले तीसरी दृष्टि जाती है भाग्यस्थान के ऊपर यानी कि भाग्यफल में कमी कर देंगे जो काम आपका चार दिन में होना है एक हफ्ते में होना है हो सकता है वो महीने में हो या हो सकता है उसमें ज़्यादा डिले हो जाए तो शनि डिले के कारक हैं शनि मंदगामी ग्रह हैं शनि ढाई साल एक राशि में रहते हैं और शनि जहाँ को जिस भाव को प्रभावित करते हैं वहाँ पर नतीजे स्लो हो जाते हैं तो भाग्य स्थान का साथ ना देना इसका मतलब यह है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो पुट इन करने पड़ेंगे किसी भी काम में ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी किसी भी आपके प्रोजेक्ट में तो इस चीज़ के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना है सिंह राशि के जातकों को वहाँ पर नतीजे इस प्रकार से नहीं आएंगे जिस तरीके से आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आपने, आपने सोच रखा था कि यदि मैं ये काम करूँगा तो इसका ये रिजल्ट आ जाएगा तो वैसा हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो हो जाए उसमें अब जब शनिदेव यहाँ पर गोचर करेंगे कर रहे हैं और उदय होकर पूरे प्रभावी हो जाएंगे तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके लगन को यानी कि चंद्रमा के ऊपर जब शनि की दृष्टि आती है चंद्रमा क्या होता है मन होता है वो आपको सुस्त कर देंगे लेजी कर देंगे आपका काम करने को मन ही नहीं करेगा आप छोड़ेंगे छोड़ो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे तो कल का काम आज पर मत टालिएगा आज का काम सॉरी कल पर मत टालिएगा इससे चीजें और ज्यादा डिले होंगी क्योंकि भाग्यस्थान तो ऑलरेडी शनि के प्रभाव में है आप भी सुस्त हो गए तो उसके नतीजे आपको निश्चित तौर पर खराब देखने को मिलेंगे ये चीज़ जो है नोट करने वाली है इस गोचर के दौरान मैं ये नहीं कह रहा कि इसके नतीजे बहुत नेगेटिव हो जाएंगे मैं ये कह रहा हूँ कि स्लो हो जाएंगे आपको आपका अपना बिहेवियर इस प्रकार का हो जाएगा शनि के प्रभाव के कारण कि आप लेज़ी हो जाएंगे तो यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ यह है कि लेजी नहीं होने का जो काम अभी करने वाला है उसको अभी कर दो उसको कल पर मत छोड़िएगा ये वैसे भी स्टैंडर्ड रूल है कि कल का काम आज का काम में कल पर नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ताकत के साथ काम करना पड़ेगा ज्यादा फुर्ती के साथ काम करना पड़ेगा अब शनि यहां पर जब बैठेंगे तो दशम दृष्टि जाएगी आपके चौथे भाव के ऊपर चौथा भाव क्या है आपका आपका सुख स्थान कुंडली में चौथे भाव से मदर का विचार किया जाता है यानी कि मां का विचार किया जाता है सुख का विचार जिंदगी में किसी भी प्रकार का सुख चाहे वो गाड़ी का सुख है मकान का सुख है प्रॉपर्टी का सुख है किसी भी प्रकार का सुख आपको चौथे भाव से मिलता है तो वहां पर सुखों में कमी हो सकती है इसका मतलब यह है कि यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको डिले हो जाए चीजें हो सकता है कि आपको अप्रूवल ही ना मिले कहीं से हो सकता है कि आपकी आपका तहसीलदार ही ना मिले आपने रजिस्ट्री करवानी है हो सकता है तहसीलदार ही ना मिले बाद में पता लगे कि कॉर्पोरेशन वाले नक्शा नहीं पास कर रहे बाद में पता लगे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया बाद में पता लगे कि कंस्ट्रक्शन में देरी हो जाएगी तो ये चीज़ें हो सकती हैं यदि आप अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं या नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये डिले हो जाएगा प्रोसेस में सारा तो यहाँ पर आपको मानसिक तौर पर खुद को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि यदि आप इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं तो गाड़ी हो सकता है कि बाहर निकलते ही पुरानी हो जाए क्योंकि चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है हो सकता है कि कोई ना कोई इसको छोटी मोट खरोच आ जाए हालांकि आपको कुछ नहीं होगा इसमें लेकिन गाड़ी जो है वो उसमें उसको नुकसान हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सिंह राशि के जातकों को नई प्रॉपर्टी के बारे में नई गाड़ी के मामले में ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी सुस्ती मत डालिएगा थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करिएगा क्योंकि भाग्यस्थान जो है वो प्रभाव में है ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पत्नी की जो है वो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये क्योंकि शनि उन्हीं घरों को प्रभावित करेंगे जहाँ पर शनि की दृष्टि है बाकी शनि कुछ कहीं पे कुछ नहीं करेंगे या जिन दो भावों के शनि स्वामी हैं पांच भावों को प्रभावित करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके ऊपर मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिए यदि अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए और लाइक जरूर करिए इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार